সেটা আসলে ফ্রেশ মনে হয়েছে। এটা থেকে আরেকটা সুন্দর আলো, মাঝখানে সূর্য এবং দুই সাইডে দুইটা পাখি, উর্দুতে কিছু লেখা ছিল, ইন্ডিয়ান হাতিরা ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্সকে রক্ষা করছে, এরকম। একটা টাইটেল কে আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, দুইটা না এখানে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি। এমব্লেমস জো না সিরফ কিসি স্টেট কান্ট্রি ইয়া রিজন কো রিপ্রেজেন্ট করতে হে বলকি এমব্লেমস দেখনে মে ভি কাফি ইউনিক লাগতে হে অর কি আপকো পাতা হে ভারত কে মোস্ট অফ স্টেটস কে পাস ভি আপনে অলগ অলগ স্টেট এমব্লেমস সিল ইয়া কোট অফ আর্মস হে অর ও সবি ভি কাফি ইউনিক হে। তো দোস্তো আজ হাম বাত করেঙ্গে ভারতীয় রাজ্য কে স্টেট এমব্লেমস কে বারে মে, জানেঙ্গে কি ভারতীয় রাজ্য কে স্টেট এমব্লেমস কে কি করে অর ও কিয়া কিয়া রিপ্রেজেন্ট করতে হে। তো দোস্তো মাই নেম ইজ ফেনিল এন্ড আপনে অভি অভি জয়েন কিয়া सरनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। भारत के इस नेशनल एम्बलम में चार एशियाटिक लायंस बैक टू बैक खड़े हैं। ये चार शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। क्योंकि हमारा एम्बलम 2D में है, इसलिए हमें सिर्फ तीन ही लायंस दिखते हैं। नीचे एक घोड़ा और एक बैल है और उन दोनों के बीच सुंदर पहिया, जिसे धर्म चक्र या अशोक चक्र भी कहा जाता है, वो है। दोस्तों इसी एम्बलम के अशोक चक्र को हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे में भी स्थान दिया गया है और इस एम्बलम के नीचे देवनागरी लिपि में एक आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका मतलब हम सभी को पता है। दोस्तों ये एम्बलम इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर हेड का एक हिस्सा है और ये सभी इंडियन करेंसी पर भी दिखाई देता है। इसके अलावा ये एम्बलम भारतीय पासपोर्ट पर भी मेंशन किया जाता है। ये हुई बात हमारे भारत के नेशनल एम्बलम की। दोस्तों भारत के ज्यादातर राज्य भी अपने अलग अलग स्टेट एम्बलम्स रखते हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने यही भारत के नेशनल एम्बलम को ही अपने स्टेट एम्बलम के रूप में भी स्वीकारा है। वो राज्य है आसाम, गुजरात, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान और त्रिपुरा एंड लगभग सभी यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। इन सभी राज्यों के स्टेट एम्बलम्स हमारे इंडिया के नेशनल एम्बलम ही है। गवर्नमेंट यूज के लिए स्टेट्स ने अपने एम्बलम में उनके स्टेट गवर्नमेंट को मेंशन किया है। जैसे कि आसाम के स्टेट एम्बलम में आसामीज में ऑक्सोम जोरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ आसाम लिखा गया है। उसी तरह गुजरात के एम्बलम में गुजराती और इंग्लिश में, राजस्थान के एम्बलम में हिंदी और इंग्लिश में, त्रिपुरा के एम्बलम में बंगाली और इंग्लिश में, और मेघालय, मिजोरम और सभी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली और अंडमान निकोबार के एम्बलम में सिर्फ इंग्लिश में ही स्टेट गवर्नमेंट को मेंशन किया गया है। इनके अलावा के सभी स्टेट्स के पास अपने अलग यूनिक स्टेट एम्बलम्स हैं। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एम्बलम अपने आप में काफी यूनिक है। जहाँ बाकी सभी स्टेट के एम्बलम सर्कुलर शेप में है, हिमाचल प्रदेश का एम्बलम हाफ सर्कल में बना हुआ है, जिसमें बैकग्राउंड में ब्लू स्नो कवर्ड माउंटेन पिक्स है, जो कि हिमाचल की जियोग्राफी को दर्शाते हैं। नीचे तीन व्हाइट स्ट्रिप्स है और बीच में भारत का नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल सुप्रीम पोजीशन पर है और नीचे हिंदी में हिमाचल प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं हिमाचल के पड़ोसी पंजाब की। पंजाब के स्टेट एम्बलम में सेंटर में हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है और उसके सराउंडिंग में सर्कल बना हुआ है। सर्कल के ऊपर एक वीट स्टैम्प यानी गेहूं का तना है और नीचे दो तलवारें क्रॉस में है। एम्बलम के सर्कुलर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के एम्बलम में एक सर्कुलर शील्ड है जिस पर उगते सूरज के सामने पानी से निकलते कमल के फूल को
दर्शाया गया है। सर्कुलर शील्ड दो गेहूं के स्टैंड द्वारा सपोर्टेड है और शील्ड के ऊपर हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम सब जगह नेशनल सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा गया है। वहीं अगर चंडीगढ़ का एम्बलम देखें तो इसमें एक ऑरेंज सर्कुलर शील्ड पर यूरोपियन आर्किटेक्चर ले कार्बुज़र द्वारा बनाया गया ओपन हैंड मॉन्यूमेंट स्कल्पचर दर्शाया गया है, जो कि चंडीगढ़ के सिटी सिंबल के रूप में भी माना जाता है। शील्ड के सराउंडिंग ऊपर हिंदी में चंडीगढ़ प्रशासन और नीचे इंग्लिश में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। बात करते हैं उत्तराखंड की, जिसका एम्बलम भी काफी यूनिक है। उत्तराखंड के एम्बलम में डायमंड शेप का व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लू बॉर्डर के साथ हिमालयन के माउंटेन पीक्स दर्शाए गए हैं। बीच में चार धाराएं लेफ्ट से राइट की ओर जाते दिखाई गई है। ऊपर रेड डायमंड शेप बैकग्राउंड में भारत का नेशनल एम्बलम है और नीचे ब्लू कलर में हिंदी में उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के एम्बलम में एक सर्कुलर शील्ड है जिस पर प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम को दर्शाया गया है। अच्छा। जिसके दोनों तरफ मत्स्य फिश की एक जोड़ी है जो अवध राज्य को रिप्रेजेंट करती है और एक धनुष बाण की जोड़ी है जो बुंदेलखंड रीजन को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर की ओर हिंदी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यूपी के पड़ोसी बिहार की। बिहार का एम्बलम भी काफी यूनिक है। बिहार के एम्बलम में एक बोधी ट्री है जिस पर दो प्रेयर ब्रिड्स यानी प्रार्थना मालाएं है। अच्छा। ट्री के दोनों तरफ दो स्वस्तिक को दर्शाया गया है और बोधी ट्री का बेस एक ईट है जिस पर उर्दू में बिहार लिखा गया है। इसका मतलब बिहार के स्टेट एम्बलम में भारत के लगभग सभी मेजर रिलीजन को मेंशन किया गया है, जो कि काफी यूनिक है। सब रिलीजन है, हिंदू, बौद्ध, उर्दू से लिखा है, टच क्रिश्चियन मुस्लिम की है, जिस पर व्हाइट एलिफेंट्स बने हुए है जो की झारखण्ड के स्टेट एनिमल्स भी है, जो झारखण्ड की स्ट्रेंथ, वाइल्ड लाइफ और रिच वेजिटेशन को दर्शाते हैं। मिडल रिंग में झारखंड के स्टेट फ्लावर पलाश फूल को दर्शाया गया है, जो समृद्ध वनस्पति, ब्यूटी और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इनर रिंग में लोगों को यूनिक झारखंडी स्टाइल पेंटिंग में दर्शाया गया है, जो कि समृद्ध इतिहास और सोशल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर में भारत का नेशनल एम्बलम है और रिंग के आसपास हिंदी और इंग्लिश में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड का पड़ोसी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के एम्बलम में एक ग्लोब यानी पृथ्वी का नक्शा बना हुआ है। उस पर वेस्ट बंगाल के मैप को दर्शाया गया है और अगेन उसके ऊपर बंगाली अल्फाबेट को हाईलाइट किया गया है। ग्लोब के आसपास बंगाली में पश्चिम बंगाल सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। इसके सराउंडिंग में ब्लू और ग्रीन डिजाइन रिंग्स है और ऊपर भारत का नेशनल एम्बलम बना हुआ है। और अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के एम्बलम में एक ब्लेजोन पर 12 एन्यूलेट्स की चेन के बीच लोटस यानी कमल का फूल बना हुआ है। लोटस प्योरिटी का प्रतीक है। इसके आसपास दो ड्रैगन सपोर्टर के रूप में है और ऊपर एक कॉन्च यानी शंख है। नीचे तिब्बतियन लैंग्वेज में खामसुम वांगडू लिखा हुआ है और इस एम्बलम को भी खामसुम वांगडू ही कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के एम्बलम में गुमजी और दाफाबूम माउंटेन पीक्स के बीच सनराइज को दर्शाया गया है। बीच में मिथुन बाइसन का सिर बना हुआ है और दोनों तरफ दो हॉर्नबिल पक्षी सपोर्टर के रूप में है। ये दोनों एनिमल्स अरुणाचल के स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड्स है। ऊपर भारत का नेशनल एम्बलम बना हुआ है, नीचे अरुणाचल प्रदेश में लिखा हुआ है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के एम्बलम में सर्कुलर शील्ड है जिसके बीच हरे भरे लैंडस्केप पर मिथुन बाइसन खड़ा है, जो कि नागालैंड का भी स्टेट एनिमल है। शील्ड के सराउंडिंग में एक रेड रिंग है जिस पर इंग्लिश में यूनिटी और गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड लिखा हुआ है। दोस्तों, नागालैंड के पड़ोसी मणिपुर के एम्बलम की बात करें तो उसमें सर्कल के अंदर एक काल्पनिक जीव कंगलाशा को दर्शाया गया है, जो कि आधा शेर और आधा ड्रैगन है। मणिपुर में कंगलाशा को भगवान के रूप में माना जाता है। एम्बलम के नीचे बैनर पर मणिपुर की मेटे लैंग्वेज में कंगलाशा लिखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाद चलते हैं सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एम्बलम में एक सर्कुलर शील्ड पर बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ बना हुआ है, जिसके सामने हमारे भारत का नेशनल एम्बलम है। सील के सराउंडिंग में गेहूं और चावल के डंठल सपोर्टर के रूप में है और हिंदी में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और पूरा एम्बलम 24 कमल की पंखुड़ियों से घिरा हुआ है। बात करते हैं एमपी के पड़ोसी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के एम्बलम में सर्कुलर सील के सेंटर में भारत का नेशनल एम्बलम है और सील के दोनों तरफ दो राइस स्टैम्प्स को दर्शाया गया है। नीचे तीन तिरंगे कलर की वेवी लाइंस है जो राज्य की नदियों को रिप्रेजेंट करती है और दो एनर्जी सिंबल्स है जो छत्तीसगढ़ के एनर्जी रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हिंदी में छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है और पूरा एम्ब्लेम 36 किलो के चिन्हों से घिरा हुआ है जो राज्य के 36 किलो को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा का एम्ब्लेम भी एक सर्कुलर सील पर बना हुआ है जिसके सेंटर में कोणार्क सन टेम्पल के योद्धा और घोड़े का स्टेचू दर्शाया गया है। ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम है और सील के सराउंडिंग में ओडिया और हिंदी में ओडिशा शासन लिखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एम्ब्लेम में सर्कुलर सील के अंदर एक समय दिया लैंप है और सील के सराउंडिंग में 16 कमल के फूल है। समय लैंप और कमल के बीच संस्कृत में प्रतिप चंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्व वंदिता महाराष्ट्र राजस्य मुद्रा भद्राय राजते वाक्य लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है द ग्लोरी ऑफ दिस सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल ग्रो लाइक द फर्स्ट इट विल बी वर्शिप्ड बाय द वर्ल्ड एंड only for the well-being of its people. Next है गोवा। गोवा के सेंटर में वृक्षा द्वीप है जो कि एक दिया लैंप है। दिया के सराउंडिंग में स्टाइलिश कोकोनट लीफ है जो कि गोवा के ब्यूटीफुल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लैंप के ऊपर संस्कृत में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात् लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है मे एवरीवन से गुडनेस मे नॉन सफर एनी पेन। और नीचे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ गोवा मेंशन है। एम्ब्लेम के गेस्चर है और टॉप पर भारत का नेशनल एम्ब्लेम दर्शाया गया है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के एम्ब्लेम में सर्कुलर सील के अंदर काकातिया काला थोरनाम और चार मीनार मोन्यूमेंट दर्शाए गए हैं। उसके ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। सील के सराउंडिंग में इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, उर्दू में तेलंगाना सरकार और तेलुगु में तेलंगाना प्रभुत्वम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका के एम्ब्लेम में एक रेड शील्ड पर व्हाइट टू हेडेड बर्ड गंदा भेरुंडा को दर्शाया गया है। इस शील्ड की ब्लू बॉर्डर है और शील्ड के ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। शील्ड के दोनों तरफ हरे पत्तेदार कंपार्टमेंट पर दो काल्पनिक जीव जिनकी लाल दाढ़ी और पीला शरीर है वो सपोर्टर के रूप में है। लीफ के नीचे बैनर पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कर्नाटका के पड़ोसी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के एम्ब्लेम में कलश को दर्शाया गया है जो के धर्म चक्र से सराउंडेड है जो व्हील ऑफ फ्लो को दर्शाता है। सर्कल के सराउंडिंग में ग्रीन बैकग्राउंड में डिजाइन बनी हुई है और उसके आसपास तेलुगु हिंदी और इंग्लिश में स्टेट नेम आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के एम्ब्लेम में श्री विल्लीपुथूर अदल टेम्पल को दर्शाया गया है जिसके नीचे दो इंडियन नेशनल फ्लैग है और उसके आगे भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। दोस्तों तमिलनाडु अकेला ऐसा स्टेट है जिसके एम्ब्लेम में भारत का नेशनल फ्लैग है। सील के ऊपर की ओर तमिल लैंग्वेज में तमिलनाडु अरसु यानी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और नीचे तमिल में वायमेये वेल्लम यानी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। बात करते हैं पड़ोसी केरला की। केरला के एम्ब्लेम में श्री पद्मनाभ यानी भगवान विष्णु के रॉयल शंकु को दर्शाया गया है। शंकु के ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है और शंकु के दोनों तरफ दो इंडियन एलिफेंट सैल्यूट पोजीशन में खड़े हैं, जिसके नीचे येलो स्ट्रिप डिजाइन पर दो बैनर है जिन पर मलयालम में केरला सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ केरला लिखा हुआ है। और दोस्तों लास्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के एम्ब्लेम में सेंटर में अशोक चक्र बना हुआ है जिसके पीछे एक पाम ट्री है। अशोक चक्र के दोनों तरफ दो बटरफ्लाई फिशेस है और नीचे भारत के फ्लैग के रंग की तीन रिबन्स और इंग्लिश में लक्षद्वीप लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थे भारतीय राज्यों के यूनिक स्टेट एम्ब्लेम्स जो कि अपने आप में काफी ब्यूटीफुल है और अपने स्टेट के बारे में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। आप कमेंट में बताइए आपको कौन सा एम्ब्लेम सबसे यूनिक लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कछे यदि बोलो यूनिक ताहले सेटा होचे गोवार जे एम्ब्लेमटा आछे সেটা আসলে ফ্রেশ মনে হয়েছে। ইউনিক বলতে এইটাকেই বোঝাতে চাচ্ছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা থেকে আরেকটা সুন্দর আলাদা, কারণ প্রত্যেকটা জায়গারই কিন্তু রিপ্রেজেন্টেশন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রত্যেকটা স্টেটের যে স্পেশাল মনুমেন্ট আছে কিংবা স্পেশাল তাদের যে পাখি কিংবা পশু হোক কিংবা কোনো ধরনের আইকনিক
প্লেস থাকুক না কেন সেটাকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এমব্লেমসের মধ্যে। এবং ন্যাশনাল এমব্লেম যেখানে হচ্ছে চারটা সিংহ থাকে, সেই এমব্লেমসটাকেও কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেট, হ্যাঁ, তাদের যে এমব্লেমস আছে স্টেট এমব্লেমস সেখানে অ্যাড করার চেষ্টা করেছে। কিছু কিছু স্টেট বাদে অলমোস্ট সবার কাছেই কিন্তু ন্যাশনাল এমব্লেমসটা অ্যাড করা ছিল। মনে হচ্ছে যে অরুণাচলের যেটা ছিল সেটা কিন্তু সুন্দর, দুইটা পাহাড়ের মাঝখানে সূর্য, মাঝখানে সূর্য এবং দুই সাইডে দুইটা পাখি, কিন্তু সেটা তাদের যে স্টেটের যে ন্যাশনাল পাখি সেটা। হ্যাঁ, আর এবং সাথে নিচে হচ্ছে যে তাদের লেখা ছিল অরুণাচল প্রদেশ না, হ্যাঁ, এবং উপরে কিন্তু তাদের ন্যাশনাল এমব্লেম যেটা সেটা কিন্তু ছিল, সেটা অবশ্যই ছিল। তো বিহারের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা গাছে দুইটা ডালে দুইটা কিন্তু বৌদ্ধদের মালা ঝুলানো ছিল এবং হিন্দুদের দুইটা চিহ্ন ছিল স্বস্তিকা দুই সাইডে এবং নিচে মুসলিমদের একটা উর্দু থেকে কিছু লেখা ছিল। তো সব মিলায় মনে হচ্ছে যে তারা ওখানে রিলিজিয়নটাকে প্রাধান্য দিয়েছে। হিমাচল প্রদেশের যে এমব্লেমসটা ছিল এটা কিন্তু আসলে হিমাচল প্রদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে, এটা তাদের যে এমব্লেমস আছে সেটা দেখলেই বোঝা যায়। কেননা হচ্ছে যে আমরা যখন ম্যাপ দেখি হিমাচল প্রদেশে তখন উপরের দিকে দেখা যায় যে বরফ আচ্ছাদিত এবং নিচের দিকে হচ্ছে ল্যান্ড, তাদের যে এমব্লেমস সেখানেও কিন্তু ঠিক সেই বিষয়টাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং তাদের এমব্লেমসের ভিতরেই কিন্তু ন্যাশনাল এমব্লেমসটাও ছিল। তো হিমাচল প্রদেশের যে এমব্লেমসটা আছে সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল। এছাড়াও আমি বলবো আর একটা কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে কর্ণাটিকার। তোমার কাছে মনে আছে যে লাস্টের দিকে যেটা দেখালো প্রায়, সেটা হচ্ছে যে দুইটা অ্যানিমাল কিন্তু মাথা উঁচু করে আছে, হাতির মতো দেখতে, হাতির মতো সুর আছে, উপরে তাদের ন্যাশনাল এমব্লেমটা আছে এবং মাঝখানে একটা পাখির দুইটা মাথা দুদিকে ঘোরানো ছিল এবং এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল। এবং কেরালাটাও কিন্তু অলমোস্ট কাছাকাছি এরকমই ছিল এবং সেটা সুন্দর ছিল। সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান হাতিরা ন্যাশনাল এমব্লেমসকে রক্ষা করছে এরকম মোমেন্টাম দিয়ে আসলে তৈরি করা হয়েছিল। আর যেটা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর লেগেছে আমার কাছে আরেকটা জিনিস, যেটা হচ্ছে তামিলনাড়ুর যে এমব্লেমসটা আছে সেটাতে কিন্তু ইন্ডিয়ান যে ফ্ল্যাগ, সেই ফ্ল্যাগটাকে নিচে দুই কর্নারে দেওয়া হয়েছে দুই পাশে আর কি, এবং মাঝখানে সে ন্যাশনাল এমব্লেমস এবং তামিলনাড়ুর একটা মন্দিরকে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখা হয়েছে, যেটা দিয়ে হচ্ছে তামিলনাড়ুকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। তো এই এমব্লেমসটা অনেক সুন্দর ছিল। লাক্ষাদ্বীপের যে এমব্লেমটা ছিল সেটাও কিন্তু সুন্দর ছিল, মাছ ছিল, হ্যাঁ, দুই পাশে মাছ ছিল, নিচে পতাকা ছিল, তিনটা ভাস করা অবস্থায় ছিল। আর হচ্ছে যে অশোক চক্রের উপরে হচ্ছে যেহেতু আইল্যান্ড অনেক নারিকেল গাছ থাকে তাই ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা নারিকেল গাছ দেওয়া ছিল, এমব্লেমসটা অনেক সুন্দর। আর আমাদের পাশে সবচেয়ে কলকাতার কথা না বললেই নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গলের। তো সেখানে হচ্ছে যে তোমার দেখানো হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ম্যাপের উপরে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাপটাকে এবং সাথে হচ্ছে যে বাংলার বটা দেওয়া আছে দুই সাইডে সার্কেল দেওয়া, আর এই সার্কেলটার সবচেয়ে উপরে রয়েছে তাদের ন্যাশনাল এমব্লেম। তো ওভারঅল সবগুলো এমব্লেমই কিন্তু সুন্দর, আমি মনে করি যে সবগুলাতেই সুন্দর এবং তাদের স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করেছে অনেক সুন্দরভাবে। আর এতগুলো প্রদেশ যেহেতু মনে রাখা সহজ নয়, আর কিছু কিছু প্রদেশ কিন্তু তারা অলরেডি ন্যাশনালটাকে যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে, আমি যতটুকু বুঝলাম এই ভিডিও দেখে মনে হচ্ছে যে তার যারা ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে তারা সবাই সেম এমব্লেমটা ইউজ করছে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের মতো, শুধুমাত্র স্টেটের নামটা শুধু আলাদা চেঞ্জ করে বাকি সেম ইউজ করছে। তো ওভারঅল ভিডিওটা ভালোই ছিল আমাদের। এই ইনফরমেশনগুলো আসলে আমাদের জানা ছিল না, কেননা আমরা এই এমব্লেমস নিয়ে আসলে কখনো চিন্তা করিনি। তো ওভারঅল ভিডিওটা খুবই ভালো লেগেছে আমাদের। আর আজকের এই ভিডিও রিয়াকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে দেখতে পারি। তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।